गाय ने बताया मनुष्य को ये चार काम अकेले में करना चाहिए। जो ये चार काम खुले में करते हैं वह गरीब रहते हैं। आज एक फिर नई कहानी, ज्ञान बढ़ाने वाली बातें लेकर हम आपके समक्ष लेकर हाजिर हुए हैं। गौ माता की कहानी। गौ माता ने बताया कि ये चार काम मनुष्य को हमेशा अकेले में करने चाहिए। ये जो आज की कहानी है जीवन की कुछ खास सिद्धांतों को बताने वाली कहानी है। इन्हें गौ माता बताती है जो हमारे लिए बहुत ही पूजनीय है। गौ माता समय समय पर इंसान को ऐसे ऐसे संदेश देती हैं जो इंसान इनको समझ जाए तो फिर उसका जीवन धन्य हो जाता है। गाय को माता क्यों कहा जाता है? गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की महिमा अपरंपार है। गौ माता में अनगिनत चमत्कार होते हैं। जो लोग इनको समझ जाते हैं वो अपना भाग बदल सकते हैं, अपने नसीब को बदल कर रख सकते हैं। इस कहानी में आप जानेंगे गौ माता ने चार महत्वपूर्ण बातें यानी जो बताई है। ये चार बातें हर इंसान के जीवन में कभी न कभी घटित जरूर होती है, और जब ये बातें किसी इंसान के जीवन में घटित होती है तब उस व्यक्ति को संभलने का मौका नहीं मिलता। इतनी खतरनाक ये चार बातें साबित होती है, इसलिए इन चार बातों पर गौर करें, इन्हें ध्यान से सुने और अपने जीवन में इन चार बातों का अमल जरूर करें। सुखी जीवन का सार बताने वाली ये कहानी है। बताने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा अवश्य देखें, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी, आधे अधूरे ज्ञान हमेशा घातक होते हैं। वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, और एक लाइक तो बनता है। चलिए बताते हैं कहानी। बहुत साल पहले की बात है, एक गांव में भोला नाम का एक व्यक्ति रहता था। भोला जमींदार लोगों की गायों को चरा करके लाया करता था, तो उन गायों को जंगल में चराता और गाय चराने का जो पैसा मिलता उससे अपना जीवन यापन करता, अपने परिवार की देखभाल किया करता था। भोला का रोज का ये काम था। थोड़ी गाय अपनी और कुछ गाय जमींदार लोगों की थी, उनको जंगल में चराने ले जाया करता था, और ज़्यादा पैसे तो नहीं मिलते थे लेकिन जैसे तैसे उसका गुजारा हो जाया करता था। जिस जंगल में भोला गाय चराने ले जाता था उसी के पास एक पहाड़ था। उस पहाड़ में एक गुफा थी। उस गुफा में एक साधु रहा करते थे। साधु के पास एक ऐसी चमत्कारी गाय थी जो रोज भोला की गायों में शामिल हो जाती थी और चरती। सभी गायों के साथ चारा पानी खाने के बाद जब भोला शाम के समय अपने गायों को घर लेकर जाता तब रास्ते में वो गाय अलग रास्ता पकड़ लेती थी और अपने स्थान पर चली जाती थी। जब भोला सुबह के समय गायों को जंगल चराने लेकर जाता था तब वो गाय कहीं आधे रास्ते में उन गायों में शामिल हो जाती थी। ज़्यादा गाय होने के कारण भोला को पता नहीं चलता था। एक दिन भोला जंगल में अपनी गायों को संभाल रहा था तब उसने गायों की गिनती की। उसने देखा कि एक गाय उसमें ज़्यादा है। भोला ने सोचा कि मुझे जो पैसे मिलते हैं वो 99 गायों के चराने के मिलते हैं और यहाँ पर गाय गिनती में 100 आ रही है। भोला शाम को लौटने के बाद जिन लोगों की गायों को चराता था उनके पास गया और उनसे कहने लगा कि मुझे जो पैसे मिलते हैं वो 99 गायों के मिलते हैं लेकिन मैं जो चरा कर लाता हूँ वो पूरी 100 गायें हैं। भोला की इस बात को सुनने के बाद सभी जमींदार लोग कहने लगे कि भोले तुम हिसाब में कच्चे हो। हमने जो गाय तुम्हें चराने के लिए दे रखी है उन्हें यदि उन्हीं गायों का पैसा हम तुम्हें देते हैं, न कम न ज़्यादा। तब भोला ने फिर से गायों की गिनती कर ली। अब उसके पास वही 99 गायें थी। अब भोला सोचने लगा कि जब जंगल में मैंने गिनती की तो उस वक्त पूरी 100 गायें थी लेकिन यहाँ पर 99 गायें कैसे हो गई? भोला ने सोचा हो सकता कि और की गाय आ गई हो। भोला दूसरे दिन फिर से गायों को लेकर चला तभी रास्ते में वही साधु की गाय इन गायों में शामिल हो गई। भोला ने जंगल में जाकर फिर से गायों की गिनती की। भोला को पूरी 100 गायें मिली। भोला अब अचंभे में पड़ गया। फिर शाम के समय गायों में वापस यानी गायों को लेकर वापस पहुंचकर गायों की गिनती कर ली। अब वहां पर उसे 99 गायें मिली। तब भोला ने सोचा कि अन्य की गाय चराने आ जाती है यानी चरने हमारे झुंड में आ जाती है, रास्ते में कहीं पर भी मेरी गायों में शामिल होकर चरने आती है होगी। अब भोला तीसरे रोज एक अन्य व्यक्ति को अपने मित्र के साथ लेकर जंगल चला गया।
उसने कहा कि शाम के समय तुम सभी गायों को घर वापस लेकर जाना, मुझे किसी काम से जाना है तो मैं गायों को वापस गांव नहीं ले जा पाऊंगा। जब शाम का समय हुआ, भोला थोड़ी दूर पर यानी झाड़ियों पर छुपकर बैठ गया। उस दूसरे व्यक्ति के साथ गायों ने घर का रास्ता पकड़ लिया। भोला छुपकर झाड़ियों की आड़ में चलकर गायों पर नजर रख रहा था, पीछे पीछे चल रहा था। जब गायें आधे रास्ते पर आ गई, तब भोला ने देखा कि झुंड में से एक गाय ने अलग रास्ता पकड़ लिया है, वो दूसरी दिशा में जा रही है। भोला चुपचाप उस गाय का पीछा करता हुआ चला गया और देखा तो और फिर यानी सोचा कि देखे तो सही कि किसकी गाय है ये। भोला का मित्र उसकी सभी यानी जो गाय थी लेकर घर चला गया। गाय और भोला उस गाय का पीछा करते हुए यानी कि एक पहाड़ की गुफा में कुंद्रा में पहुंच गया। वो गाय उस पहाड़ की कुंद्रा में गुफा में चली गई। भोला भी उस गाय के पीछे पीछे उस पहाड़ की गुफा में घुस गया। वहां छुपकर वो उनके पीछे पहाड़ की गुफा में उस गुफा में जब घुस गया, वहां पर देखने लगा। उसने देखा कि वहां पर एक साधु तपस्या में लीन थे, वो साधना कर रहे थे। उसके चेहरे पर तेज था। गाय वहां पर पहुंचकर खड़ी हो गई। फिर साधु ने अपनी आंखें खोली और उठकर गाय को बांध दिया। गाय का दूध निकालकर वो अपना भोजन बनाने में व्यस्त हो गए। भोला वहीं छुपकर सब कुछ देख रहे थे। थोड़ी देर में गाय ने गोबर किया, जो सोने का गोबर था। साधु ने तुरंत जाकर गाय के गोबर को उठा लिया और अपने धन भंडार में रख दिया। भोला यह सारी घटना छुपकर देख रहा था। उसने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। भोला उस गाय के पास गया और देखा। भोला गाय के पास जाकर बोला कि गौ माता, मैं एक निर्धन ग्वाला हूँ, दिन भर गायों को चराता हूँ। आप जिससे कि मैं अपने यानी कि आप भी उसी गायों में से हैं, क्योंकि आप भी मेरे झुंड में आकर चरने आती हैं और मैं काफ़ी निर्धन हूँ। मैं अपने परिवार का अच्छे से लालन पालन भी नहीं कर सकता हूँ। वो गौ माता भोला से कहने लगी कि मैंने तुम्हें देखा है, तुम गायों को बड़े प्रेम से रखते हो, उन्हें कभी मारते दुत्कारते नहीं हो। मैं थोड़ी देर में गोबर करने वाली हूँ, उस गोबर को उठाकर तुम अपने घर ले जाना। तब भोले ने कहा कि गौ माता, गोबर से क्या होगा, 99 गायें मेरे पास होती हैं और वो रोज गोबर करती हैं, गोबर से मैं धनी कैसे बन सकता हूँ। तब गौ माता बोली कि ग्वाले, मैं कोई साधारण गाय नहीं हूँ, मैं एक चमत्कारी गाय हूँ और मैं जो गोबर देती हूँ वो सोने का होता है। इसे राजी रखना, इस बात को तुम अपने तक ही सीमित रखना, किसी और को मत बताना। तब भोला ने कहा कि ठीक है गौ माता। थोड़ी देर बाद गौ माता ने गोबर दिया। भोला उस गोबर को उठाकर अपने घर में लेकर गया। घर पर पहुंचकर उसने देखा तो पूरा गोबर सोने का बना हुआ था। अब वो गाय भोला के गायों के साथ मिलकर चरने आती और वहां दिन में एक बार गोबर किया करती। भोला उस गोबर को उठाकर अपने घर ले जाकर जाता। धीरे धीरे भोला धनी व्यक्ति बन गया। भोला के घर में अब किसी चीज़ की कमी नहीं थी। फिर भोले ने सभी गायों को चराना भी बंद कर दिया। अब वो गाय रोज भोला के घर में आती और थोड़ा गोबर देकर चली जाती। भोला एक अमीर आदमी बन चुका था, उसके पास सभी सुख साधन मौजूद थे, लेकिन भोला अपनी पत्नी से उस राज को छुपा नहीं पाया। उसने अपनी पत्नी को सारी बात बता दी, क्योंकि वह दिमाग से भी बहुत भोला था। उसका नाम भोला था और वह दिमाग से और स्वभाव से भी बहुत भोला था। अब जैसे ही उसके पास धन आ गया था तो गौ माता ने जो बात उसको बताई थी कि किसी को बताना नहीं, उस बात को भोला भूल गया और अपनी पत्नी घरवाली को उसने सारी बातें बता दी। भोला अमीर बन गया था तो भोला के अड़ोसी पड़ोसी भोला से जलने लगे। वो सोचने लगे कि भोला इतना मंद बुद्धि है, फिर भी इतनी तरक्की कैसे कर रहा है। भोला को ऐसा कौन सा खजाना मिल गया है जो इससे इन्हें गाय चराना भी बंद कर दिया। पहले तो ये गाय चराता था, उससे इसका परिवार का लालन पालन होता था, लेकिन अब तो इससे ने गायों को भी चराना बंद कर दिया है। दिन भर घर पर रहता है, मजे करता है और उसकी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कैसे होती जा रही है। कौन से जादू की छड़ी है उसको मिल गई है। भोला के अड़ोसी पड़ोसी यही सोचते फिर उन्होंने भोला पर नज़र रखनी शुरू कर दी, पता करने के लिए इसके पास धन आता कहाँ से है, क्या उसे खजाना मिल गया। भोला के जो पड़ोसी उस पर दिन रात नज़र रखने लगे। जब भोला रोज गौ माता की पूजा किया करता, लोग उसको देखा करते। भोला जब भी भोजन करता तो सारे लोग उसको देखते। भोला जब भी अपनी पत्नी के साथ रात को विश्राम करता तब भी लोग उसको देखते रहते थे। अब भोला की तरक्की लोगों में एक चर्चा का विषय बन गई थी।
भोला की जो गाय माता थी, जो गोबर देती थी, धीरे धीरे उस गाय ने भोले के घर में आने बंद कर दिए। भोले को सोने का गोबर देना बंद कर दिया। धीरे धीरे भोले के पास जितना भी धन पड़ा हुआ था वो सब खर्च होता गया और धीरे धीरे एक ऐसा समय आया कि भोला बिल्कुल निर्धन हो गया। भोला के पास कुछ भी नहीं बचा। भोला रास्ते में आ गया, पहले तो जितना गरीब था उससे भी खराब हालत में पहुंच गया। खाने के लाले पड़ गए। भोला एक दिन परेशान होकर उसी गौ माता के पास चला गया। गौ माता के चरणों में पड़कर रोने लगा। गौ माता बोली, भोले तुम मेरी बात जो मैंने बताई थी वो भूल गए। धन का तुम्हें नशा चढ़ गया था, ये तुम्हारी करने का फल है। आज मैं तुम्हें खास सलाह देती हूँ। मैं तुम्हें ऐसी चार बातें बताऊँगी, अगर इन बातों को तुम जीवन भर याद करोगे, इन पर अमल करोगे तो जिंदगी में कभी भी नहीं पछताओगे। भोला बोला, ठीक है गौ माता, आप मुझे वो चार बातें जरूर बताइए, मैं उनका सख्ती से पालन करूँगा। तब गौ माता कहने लगी कि भोले ये चार काम व्यक्ति को हमेशा अकेले में करना चाहिए। पहली बात, जब भी आप भगवान का ध्यान करें, भजन करें तो हमेशा अकेले में ही करें। भगवान का भजन अगर आप लोगों के सामने करोगे तो उसका असर आपको नहीं मिलेगा, उसका श्रेय देखने वाले लोग ले जाएंगे। इसलिए भगवान का भजन जब भी करें अकेले में करें। भगवान की अगर आप कोई भी साधना करते हैं, किसी मंत्र को सिद्ध करते हैं, किसी भी प्रकार का आप भक्ति करते हैं तो उसे अकेले में करना चाहिए, पर्दे में करना चाहिए। गौ माता आगे कहती कि दूसरी बात गौर से सुनो, भोजन भी हमेशा अकेले में करना चाहिए, पर्दे में करना चाहिए। भोजन को भी खुले आंगन या खुले आसमान के नीचे नहीं करना चाहिए, अगर यानी कि खुले आम लोगों के बीच में नहीं करना चाहिए। खुले आम भोजन ना करें तो सबसे पहले तो माँ अन्नपूर्णा का अपमान होता है, दूसरा आपके भोजन का अपमान होता है। इसलिए भोजन को भी हमेशा अकेले में करना चाहिए, पर्दे पर करना चाहिए। तीसरी बात, गौ माता कहने लगी कि भोले ये बड़ी काम की बात है, इसे गौर से सुनो। गौ माता बोली कि जब भी पति पत्नी रात्रि के समय विश्राम करते हैं तो वो पर्दे में होने चाहिए, अकेले में होने चाहिए। जो लोग खुले आम हम बिस्तर करते हैं उन लोगों पर अकाल मृत्यु का भय हमेशा बना रहता है, इससे उनका अकाल मृत्यु हो जाती है। चौथी और आखिरी बात गौ माता ने बताई, भोले ये सबसे खास और सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसको जीवन में हमेशा याद रखना। गौ माता बोले कि अपनी कमाई का जरिया, अपनी आमदनी का जरिया किसी को नहीं बताना चाहिए, इसको भी हमेशा पर्दे में रखना चाहिए, अपने सीने में दफन रखना चाहिए। अगर आप अपनी कमाई का जरिया, अपनी आमदनी का जरिया अन्य किसी को बताते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी कमाई का जरिया ही खत्म हो जाएगा, आपके हाथों में आपकी कमाई का जरिया निकल जाएगा। हो सकता है आपकी कमाई के जरिए पर आप जो भी काम कर रहे हैं उस पर किसी दूसरे व्यक्ति का कब्जा हो जाए, इसलिए अपनी कमाई का जरिया कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। गौ माता ने ये चार बात भोला को बताई। भोला ने उन चार बातों को सख्ती से पालन किया। फिर गौ माता ने अपना गोबर भोला को देना शुरू कर दिया। अब भोला फिर से एक यानी भोला के फिर से अच्छे दिन आ गए और ये दोस्तों यानी कि फिर से अमीर बन गया भोला। ये कहानी हमें सीख देती है दोस्तों कि जीवन में हमें कभी भी इन चार बातों को किसी को नहीं बताना चाहिए, इनको हमेशा पर्दे में रखना चाहिए। जो लोग इन चार बातों को पर्दे में रखते हैं उन लोगों का कभी कोई अहित नहीं हो सकता। उम्मीद करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी। ऐसी अच्छी सीख दिलाने वाली कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद।